हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर रिवीजन प्रीलिम्स 2018 के लिए पॉलिटी का पहला लेक्चर है। यहाँ पे हम पॉलिटी के करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम जो करंट अफेयर है वो जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम हमारा जो करंट अफेयर का रिविजन है वो जून 2017 से स्टार्ट करके फिर आगे मई 2018 तक का जो भी हमारा कंप्लीट है वो पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी आज पॉलिटी का है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पॉलिटी का हमने अभी तक एक भी लेक्चर है वो नहीं डिस्कस किया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आइए पार्लियामेंट का जो पहला एक मिडनाइट सेशन होता है उसके बारे में। तो देखते हैं कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ में एक्चुअली ये था कि जीएसटी को लागू करने के लिए 30 जून को पार्लियामेंट का मिडनाइट सेशन है, मतलब रात को सेशन है, वो आयोजित किया गया था। तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकती है कि क्या हमारे देश में पहली बार पार्लियामेंट का मिडनाइट सेशन है वो आयोजित किया गया था जीएसटी को लागू करने के लिए। तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले भी मिडनाइट सेशन है वो इंडिया में आयोजित हो चुके हैं चार बार। तो पहला कौन कौन सा है देखते हैं। एक तो जब भारत आज़ाद हुआ था 14 से 15 अगस्त, तो उस रात को मिडनाइट सेशन हुआ था 1947 में। इसके बाद 1972 में हुआ था, और इसके बाद में 1992 में जब क्विक भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल कंप्लीट हो गए थे उस मौके पर, और इसके बाद हमारी आज़ादी के 50 साल हो गए थे 1997 में। तो 14 और 15 अगस्त की रात को फिर वापस मिडनाइट सेशन है वो आयोजित हुए थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है बेंगलुरु डिक्लेरेशन के बारे में। तो देखते हैं कि न्यूज़ है क्या। देखिए बेंगलुरु डिक्लेरेशन है वो मेनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी 2017 उसके मौके पर, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी। तो इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी ऐसे पूछ सकते हैं कि बेंगलुरु डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो हमें ध्यान रखना कि बेंगलुरु डिक्लेरेशन है वो मेनली माइनॉरिटीज़ जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग होते हैं जैसे एससी एसटी के, उनको एक्चुअली जुडिशियरी और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन देने के लिए। क्योंकि देखो अभी हमारे देश में ये प्रावधान है कि जो जुडिशियरी न्यायपालिका है उसमें किसी भी आधार पे एक्चुअली जो भी मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं बैकवर्ड क्लास के, उनको रिजर्वेशन वो नहीं दिया जाता है। और इसके साथ प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन वगैरह का प्रक्रिया वो नहीं होती है। तो इस बेंगलुरु डिक्लेरेशन में ये मतलब एक तरीके से बात की गई थी कि आरक्षण देना चाहिए, बट अभी आरक्षण दिया नहीं गया, केवल एक आरक्षण देने के लिए घोषणा हुई थी। तो ये न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये NFRA के बारे में। तो देखते हैं कि NFRA है क्या। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है क्या है? सबसे पहली बात यह कि नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी है वो कंपनी टैक्स 2013 के तहत बनी हुई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें है क्या, देखो ये बॉडी एक्चुअली गवर्नमेंट ने बना तो दी थी, बट अभी तक ये फॉर्म में नहीं है। अभी तक मतलब इसके लिए रूल रेगुलेशन वो नहीं बने गवर्नमेंट ने, तो अभी बीच में ही लटकी पड़ी है, इसका काम अभी अधूरा है। मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बना के छोड़ दिया ढांचा, बट अभी काम नहीं कर रही है। अब हुआ क्या था न्यूज़ में, क्यों थी, क्योंकि देखो जब हमारे देश में नोटबंदी हुआ था लास्ट ईयर, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि काफ़ी जो चार्टर्ड अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने काफ़ी हेरा फेरी घपलेबाजी की थी, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट फॉर इंडिया है जिसे ICAI कहते हैं, वो भी एक्चुअली इनको कंट्रोल करने में असफल रहा था। तो मतलब बात ये थी कि CA ने काफ़ी घफला किया था, ऐसे आरोप लगते। तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाया जा सके, और सरकार ये चाहती है कि इस बॉडी को एक्टिव फॉर्म में लाया जाए, और सरकार को ये बॉडी करेगी क्या वो देखते हैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसका काम ये है कि यह सरकार को एडवाइस देगी ऑडिटिंग करने के लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सिक्योर करने के लिए। इसी के साथ जो चार्टर्ड अकाउंट जो CA लोग होते हैं इनके स्टैंडर्ड को भी ये मेंटेन और रेगुलेट करेगी। तो यही इस बॉडी का काम है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट के तहत ये बॉडी बनी हुई है 2013 की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं आई है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है महादाई रिवर डिस्प्यूट के बारे में। तो देखते हैं न्यूज़ है क्या कंटेक्स्ट है पूरा। देखो सबसे पहली बात तो है कि महादाई जो रिवर डिस्प्यूट है वो मेनली कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्या। अब इश्यू ये है कि जो महादाई रिवर है इसके ऊपर एक्चुअली कर्नाटक गवर्नमेंट है वो कुछ डैम वगैरह मतलब कुछ रिजर्वर वगैरह बना रही है। तो उसकी वजह से गोवा गवर्नमेंट को आपत्ति हो रही है, और गोवा गवर्नमेंट को आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि जो महादाई रिवर है वो बाद में गोवा की जो मेन एक रिवर है जिसका नाम है मांडवी। तो मतलब गोवा की जो लाइफ लाइन कहते हैं जिसे कहते हैं मांडवी। तो जो ये महादाई रिवर है ये मांडवी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो इसलिए गोवा का ऐसी आशंका है कि अगर ये रिजर्वर बन जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे वहाँ पर पानी की जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी, मतलब गोवा में पानी की समस्या हो जाएगी, इससे गोवा को नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर इनके बीच में विवाद है। और मेनली महादाई रिवर वो तीन स्टेट में बहती है, कर्नाटक महाराष्ट्र और गवर्नमेंट। तो अभी जो मेनली विवाद है वो मेनली ज्यादा है कर्नाटक और गोवा के बीच में, क्योंकि कर्नाटक इस पर रिजर्वर बना रहा है महादेव रिवर पे, जिसे ऑब्वियसली मांडवी रिवर में पानी कम पहुंचेगा क्योंकि ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो उससे नुकसान हो सकता है। और एक चीज हमें आप ये ध्यान रखनी है कि मांडवी रिवर है वो मेनली अरब सागर में गिरती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये मतलब वेस्टर्न कौन से गिरती है, ईस्टर्न घाट की तरफ बहती है, वेस्टर्न घाट की तरफ, ये वेस्टर्न घाट की तरफ बहती है, मतलब मांडवी रिवर है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब देखो हुआ ये था कि ये मुद्दा तो काफी पहले से ही था, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने रखा था कि भाई क्यों ना एक
ट्रिब्यूनल बनाया जाए, क्योंकि हमारे देश में जैसे आपको पता है कि रिव्यूअर का कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटर स्टेट के बीच में, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात होती है कि एक साल के अंदर ट्रिब्यूनल बनाना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर जो भी एक्शन है वो लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट एक साल पर कोई भी ट्रिब्यूनल नहीं बना के उसका सोल्यूशन नहीं करवाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है स्टेट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश देता है कि भैया आप ट्रिब्यूनल बनाइए और इसका सोल्यूशन है वो करवाइए, ये प्रोसीजर होती है। अब कर्नाटका से मैंने आपको बताया कि इश्यू भी यही है कि कर्नाटका गवर्नमेंट है वो पानी का यूज़ करके, और जो मालप्रभा नदी है उसमें मतलब पानी ट्रांस, मतलब सीधी सी बात यही है कि महादेव रिवर का पानी कर्नाटका गवर्नमेंट है और रिजर्व करना चाहती है, और बाकी वहाँ पर कर्नाटका में जो पानी की समस्या है मतलब बैंगलोर वाले एरिया में पानी की पीने के पानी है वो उपलब्ध करवाया जा सके, और कर्नाटका में काफ़ी सूखा वगैरह पड़ता है, तो उन सबको सिक्योर है, उन सबको एक तरह बचाने के लिए महादेव रिवर पर इस तरह के स्टेप हैं उठाए जा रहे हैं, और उसी की वजह से गोवा को इस चीज़ पर आपत्ति है। तो यूपीएससी ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में इन्वॉल्व है। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो न्यूज़ वो है मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कंपलसरी। देखो शादी हमारे देश में एक पवित्र मतलब एक तरीके से विधान वो माना जाता है, तो अभी लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन या कुछ सुझाव दिए थे शादियों के बारे में, क्योंकि काफ़ी फेक शादियाँ होती हैं और काफ़ी फर्जीवाड़ा गफला होता है, तो उन सबको गवर्नमेंट काउंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सुझाव दिए। तो उनका ऐसा कहना था कि भाई शादी है उनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के साथ उनको आधार से लिंक है वो किया जाना चाहिए। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यूपीएससी एक तो ऐसे पूछती है क्या है आजादी से पहले बना था, तो जी हाँ यह लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो आजादी से पहले 1834 में ही बना था। सबसे पहला लॉ कमीशन बना था कब, जब चार्टर एक्ट 1833 था उसके तहत इसमें प्रावधान किया गया था। दूसरी बात यह कि एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है, मतलब नॉन स्टेचुरी है बॉडी है, तो यह भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार लॉ कमीशन ऑफ इंडिया देख के तो ऐसा लग रहा है कि स्टेचुरी बॉडी होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉन स्टेचुरी बॉडी है। अब इसका पहला चेयरमैन कौन थे वो भी यूपीएससी पूछ सकती है, तो उसके पहले चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकाले, और उसके बाद उसी टाइम पे लॉर्ड मैकाले के टाइम पे आपको पता है कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड है वो आया था, तो वो चीजें भी हमें भी यहाँ पे मतलब हिस्ट्री के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी हमने यहाँ पे देख ली है। अगली बात क्या, आजादी के बाद सबसे पहला लॉ कमीशन कब गठित किया गया था, आजादी के बाद पहला लॉ कमीशन था वो मेनली 1955 में डिस्कस किया 1955 में बनाया गया था, और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह रहती है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो हर 3 साल में बनाया जाता है, मतलब 3 साल में एक बार यह बनता है, जैसे गवर्नमेंट है वो 5 साल काम करती है उसी प्रकार यह 3 साल के लिए बनता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और अभी कौन सा चल रहा है, अभी रिसेंटली 21वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो वर्किंग कर रहा है, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 31 अगस्त 2018 तक। अब इसका काम क्या होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का काम देखो सीधा सा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कानून वगैरह से रिलेटेड कि भी आप इस तरीके से काम कीजिए, आपको मतलब क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ पता नहीं होता ना कि आप लॉ के बारे में कैसे कैसे आपको काम करना है, तो एक तरीके से उनकी एक लॉ की एक ब्रांच होती है ताकि लॉ संबंधित जो भी एडवाइस वगैरह होती है कानून संबंधी वो सारा काम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ, अगली जो न्यूज़ है वह है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है FPAI के बारे में। देखो कंटेक्स्ट में एक्चुअली है कि अभी FPAI ने 58 गांवों को आइडेंटिफाई किया जहां पे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब मातृत्व मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि देखो हमारे देश में मातृत्व मृत्यु दर की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे क्या एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस वगैरह काफ़ी बड़ा इशू रहता है, तो वहाँ पे क्या कि मातृत्व मृत्यु दर पे मातृत्व मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि को कम किया जा सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 2030 के उसमें भी काफी अहम यह होता है। तो ये तो थी एक्चुअली कंटेक्स्ट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है FPAI फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, सबसे पहली बात है कि एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1949 में बना था। अब यह है क्या, इसका काम देख लेते हैं। इसका काम एक्चुअली है कि जो भी सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती हैं उनके लिए काम करता है, और वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और इसके साथ ही मेल को एक्चुअली मेल को इन्वॉल्व करता है कि भी आप भी फीमेल हैं, हम जो महिलाएं हैं उनको एक्चुअली एम्पावर करने के लिए स्टेप उठाइए, मतलब हमारी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए स्टेप उठाता है, मेनली वुमेन पे इसका फोकस है वो रहता है, ये चीज़ का काम है वर्किंग, हमने इस काम देख लिया। अब इसी के साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, IPPF का। अब IPPF क्या है ये आपके दिमाग में आएगा ऑब्वियसली, तो देखते हैं हम IPPF है क्या। IPPF का मतलब है इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फेडरेशन। अब यह क्या है, यह भी एक एनजीओ है जिसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इंडिविजुअल लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रमोट करना कि भाई इंडिविजुअल लोग होते हैं उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, वो अपने अधिकारों को यूज़ कर सके, तो इंडिविजुअल लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताना इसका मेनली काम है, तो ये चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पर डिस्कस किया, तो हम इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है कर्नाटका और कर्नाटका के स्टेट फ्लैग के बारे में। तो देखो न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली कंटेक्स्ट आया तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक्चुअली
9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई ताकि वो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो अपना एक खुद का एक फ्लैग झंडा है वो बना सके उसको लेके। तो आपके दिमाग में होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल हमारे देश में कि कोई भी स्टेट है वो अपना अलग से झंडा वो बना सकता है। तो देखो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि झंडा नहीं बना सकता, मेन बात ऐसी है। बट इसका सबसे बड़ा जो अभी इशू उठ के आ रहा है वो आ रहा है यूनिटी का, कि अगर सभी स्टेट अपना अपना झंडा बनाने लग गए तो देश की यूनिटी है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि भाई हर स्टेट अपना झंडा बना सकता है नहीं बना सकता है, मतलब ये चीज़ अभी तक वहां पे लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज के बारे में जिक्र है वो नहीं किया था। तो ये चीज हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो है गवर्नमेंट एंड ग्लोयंस रिपोर्ट के बारे में। तो है क्या ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ग्लोयंस रिपोर्ट में एक्चुअली ये आया बताया गया इस रिपोर्ट में यह है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा कितना होता है, ये होती है ग्लोयंस रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी की गई है, ये जारी की गई है OECD के द्वारा। OECD का मतलब क्या है, OECD है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसने भी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई जनता है उसका अपनी देश की गवर्नमेंट में कितना भरोसा है, और इस बात को लेकर इंडिया की जो हालात है वो बताया गया कि इंडिया में 73% लोग हैं उनको अपनी सरकार के ऊपर मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है। तो ये काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए, और इंडिया वो थर्ड नंबर पे रहा है। फर्स्ट नंबर पे रहा वो रहा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में 80% जो बाकी पॉपुलेशन है उसको अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है, और इंडिया में 73% पे। तो ये मैं हम कहीं आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यूपीएससी थोड़ा पूछ सकती है कि ग्लोयंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। अब चलते हैं हम आगे, आगे हम देख लेते हैं OECD के बारे में भी लगे डिस्कस कर लेते हैं। OECD है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह एक इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 35 मेंबर है, और 1960 में यह मेनली बना था। अब इसके मेंबर मेनली वही कंट्रीज हैं जिनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है, मतलब जिनका SDI है वो 5 से ज़्यादा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है उनके लिए। मेनली हाई के लिए ये तो 7 से ऊपर ही रहता है, बट इंडिया भी इसका मेंबर है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, सॉरी इंडेक्स का मेंबर नहीं शायद, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, देख के देखना पड़ेगा, इंडेक्स का मेंबर आई थिंक नहीं होना चाहिए, देख के कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। तब देखते हैं आगे, अगला यह कि एक UN का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। तो ये चीज़ UPSC पूछ सकती है कि यह UN का ऑफिशियल ऑब्जर्वर है या नहीं है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और अगली बात कहती है कि इसका हेडक्वार्टर वो है पेरिस में, तो ये चीज़ हमें बेसिक पॉइंट है वो ध्यान रखनी है कि इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया इसका मेंबर है नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ जरूर बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है सी बॉक्स के बारे में। तो सी बॉक्स क्या है, सी बॉक्स एक्चुअली एक तरीके का पोर्टल है जो मेनली सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेंस की, उनको कर्व करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए। अभी देखो क्या होता है कि वुमेंस होती हैं उनको कहाँ भी किसी भी वर्क प्लेस पर काम करती हैं तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट की काफ़ी दिक्कत मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और कई बार वो कंप्लेन वगैरह नहीं कर पाती है, उनको रेडर्सल प्रोसीजर का नहीं पता होता है कि किस तरीके से हमें कंप्लेन करनी है, कैसे स्टेप बनाने हैं। तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है कि अगर कोई भी वुमेन है उसको सेक्सुअल हरासमेंट का कुछ केस लगता है तो वो अपनी कंप्लेन है वो एक्चुअली इस पोर्टल के ऊपर कंप्लेन डाल सकती है, तो इसलिए उसको सुरक्षा मिलेगी। और जो भी मतलब गलत काम कर रहे, जो भी लोग हरासमेंट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट रेडर्सल करेगी और उनके अगेंस्ट स्टेप है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये मेनली वुमेन को एम्पावर करने के लिए और वुमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस होते हैं उनको कर्व या उनको काउंटर करने के लिए बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, यह बनाया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है मेनली अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में। तो न्यूज़ में एक्चुअली है कि अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है वो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के अंतर्गत, हाउसिंग अर्बन अफेयर के अंतर्गत आते हैं, और अभी हमारे देश में 51 मिनिस्ट्री हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी मतलब बेसिक पता होना चाहिए, खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो अगर आपसे याद नहीं करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है NCDC के बारे में, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। है क्या यह, एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 1963 में बनी थी, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अगला ये कॉरपोरेटिव जो सोसाइटी होती है इसका काम देख लेते हैं। जो भी कॉरपोरेट सोसाइटी होती है हमारे देश में और जो फेडरेशन होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए क्या करती है, फंड है वो प्रोवाइड करती है। अब हमारे देश में जो सहकारी समितिज होती हैं उनको एक्चुअली फंड वगैरह की जरूरत होती है फेडरेशन वगैरह को, तो उनको फंड कौन देगा, तो वो फंड देने का काम करती है वो करती है नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा फंड है वो दिया जाता है। मिनिस्ट्री कौन सी होती है वो देख लेते हैं, इसके लिए जो मिनिस्ट्री हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये चीज़ थोड़ी नोट डाउन करके आप रख सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है यूथ पार्लियामेंट स्कीम के बारे में। देखो हमारे देश में क्या है कि यूथ को, जो भी युवा पीढ़ी है उसको पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर होते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट काम करती है, कैसे वहाँ पे काम होता है, वो सारे स्टेप्स मतलब पार्लियामेंट के बारे में अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई थी
66 में, मतलब 1966 में पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रालय के द्वारा स्कीम चलाई गई ताकि हमारे देश के यूथ हैं उनको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया जाए और लोकतंत्र की वैल्यू है उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप अप बताए जाए और पार्लियामेंट के बारे में मेनली पार्लियामेंट का जो भी काम होता है उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई थी 1966 में। तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है क्या है रिसेंटली चलाई गई है, नहीं नहीं ये 1966 में स्कीम हो चलाई गई है मेनली यूथ को अवेयर करवाने के लिए पार्लियामेंट के बारे में। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो ये सोशल ऑडिट के बारे में। न्यूज़ एक्चुअली ये है कि देखो हमारे देश में काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी सोशल ऑडिट करवाती है तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा होगा कि एक तो जो करप्शन वगैरह है उस पर लगाम लगेगी। सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी गाँव में स्कीम चलाई, अगर गवर्नमेंट ने स्कीम तो चला दी अब उसके बाद गाँव के लोगों से रिव्यू पूछा जा रहा है कि हाँ भाई स्कीम कैसी रही, आपको कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, क्या क्या इस स्कीम के तहत प्रावधान, आपको मतलब फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिली। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्रॉस चेक किया जाएगा कि हाँ एक फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा किसान गाँव के जो भी स्कीम हो रही है जो भी उसके लाभार्थी हैं उनको। इसके बाद इससे दूसरा बेनिफिट इसका यह हो जाएगा, एक तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि जिसने भी स्कीम लागू की है वो प्रॉपर लोगों को गाइड प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस कर रहा है नहीं कर रहा, इससे के साथ जो भी करप्शन वगैरह होता है सब्सिडी में लीकेज वगैरह होता है वो भी इसे कब है काउंटर किया जाएगा। तो सोशल ऑडिट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट है वो मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए इसकी बात है वो की जा रही है। अभी बात यहाँ पे यही कि केग है जो हमारी केग होती है वो भी एक एक्सटर्नल ऑडिट है बट उसमें भी पारदर्शिता की काफ़ी कमी है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी का काफ़ी आरोप लगता है क्योंकि वह गवर्नमेंट की एक बॉडी है तो गवर्नमेंट आपको पता है कि काफ़ी ढीली ढाली रवैया से काम करती है तो इसलिए उसमें भी पारदर्शिता के या ट्रांसपेरेंसी के काफ़ी आरोप है वो लगते हैं। तो गवर्नमेंट मेनली यही चाहती है अभी कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बूस्ट किया जा सके क्योंकि काफ़ी लीकेज वगैरह होता है ग्रामीण लेवल के ऊपर तो वहाँ पे सब्सिडी वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा वो गबन किया जाता है तो उसको अवेयरनेस के लिए तहत ही गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्चुअली सोशल ऑडिट की बात है वो की जा रही है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो मेनली लेटरल इंट्री के लिए है जो कि सिविल सर्विसेज के अंदर मतलब ISI की जो भी जॉब्स होती हैं सिविल सर्विसेज की उसके अंदर लेटरल जो इंट्री है उसको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए उसके बारे में। तो न्यूज़ में एक्चुअली ये था कि जो मिडिल रैंक की जो पोस्ट होती हैं जैसे कि डायरेक्ट सेक्रेटरी होते हैं या डायरेक्टर हुए या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए ऐसी पोस्ट होती हैं इन पोस्ट के लिए डायरेक्टरी इंट्री है वो की जाए, मतलब इनके लिए जो एग्जाम वगैरह नहीं आयोजित करवाया जाए जैसे कि प्रीलिम्स होती है फिर मेंस होती है वैसे कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, इनके लिए डायरेक्टली इंट्री है वो किया जाए। अब इसके देखो नेगेटिव पॉइंट अलग हो सकते हैं बट गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट ARC रिपोर्ट आई थी उसमें जो कि सुरेंद्रनाथ कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन के बाद आई थी उसमें मेरे लिए कहा गया था कि भाई जो डायरेक्ट अगर इंट्री ली जाएगी बड़े लेवल पे जो मिडिल रैंक की पोस्ट होती है उनके ऊपर से ज्वाइंट सेक्रेटरी तो वहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी अच्छा टैलेंट है वो सामने आएगा क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी बड़े ऑफिसर या किसी प्राइवेट कंपनी के हो या फिर कोई और भी ऐसे अधिकारी वगैरह होते हैं उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है तो अगर उनको एक्चुअली गवर्नमेंट अपने सेक्रेटरी वगैरह किसी पोस्ट पर रखेगी तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि उनका एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट यूज़ कर सकेगी, इसलिए गवर्नमेंट का ऐसा मोटो है। नेगेटिव पॉइंट है वो खैर अलग बात है बट यहाँ पे मैंने जो बताया गया वो हमने डिस्कस किया कि लेटरल इंट्री का मतलब क्या होता है सिविल सर्विस में से कैसे लागू करने की बात है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2017। एक्चुअली जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2017 है वो मेनली FSSAI के द्वारा जारी किए गए हैं। सॉरी यहाँ पे ये तो गायब हो ही गया है, काफ़ी जल्दी भूख लगी रहती है तो एक गायब हुई हो जाता है कई बार। तो अब देखते हैं क्या मेनली है क्या ये एक्चुअली किस लिए है, देखते हैं रेगुलेशन किस लिए है। देखो जो हमारे देश में ऑर्गेनिक फूड होता है उसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए है और देश में जो फूड के बारे में जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाती है वो बनाती है FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह काम है वो किया जाता है। अब देखो जो एक बात यहाँ पे आती है कि जो अनप्रोसेस्ड जो फूड होता है मतलब जो कच्चा जो फूड होता है जैसे कि मार्केट में जो सब्जियाँ वगैरह आती हैं उन सब के लिए एक्चुअली लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, उन सबको FSSAI के अंडर काउंट नहीं किया जाता है, जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसी को FSSAI के थ्रू लाइसेंस है वो लेना होता है। तो ये चीज हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे हम FSSAI के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि यह हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक बार आप सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर होगी या कॉमर्स में, तो ये चीज़ हमें डायरेक्ट क्लियर रहनी चाहिए। इसके बाद में क्या इसका यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके तहत 2003 के तहत ये बनी हुई है। इसके चेयरपर्सन होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक चीज़ थी, हमें तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है GEM के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक इनिशिएटिव है उसको लेके। तो देखो क्या है कि हमारे देश में गवर्नमेंट होती है उसकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, अब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनको काफ़ी सारा सामान खरीदना भी होता है और परचेज खरीदना होता है उसके साथ सेल भी करना होता है क्योंकि वो काफ़ी सारा प्रोडक्शन भी करती हैं उनके उनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट
वगैरह होते हैं, तो उस कंडीशन में एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, कि इस पोर्टल के ऊपर जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना अगर कुछ भी खरीदना है तो अपनी डिटेल डाल सकती हैं, अगर उन्हें कुछ भी बेचना है तो भी अपनी डिटेल डाल सकती हैं, मतलब अपने सारा खरीदने या बेचने का जो भी काम है उसकी डिटेल डाल देंगी। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट अपनी रेट डाल देगी, हाँ भाई ये चीज़ हमें बेचना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मार्केट में बोली लगेगी कि अच्छा ये चीज़ बिक रही है तो इसका कितना अच्छा मतलब मार्केट में रिवेन्यू हो सकता है, तो उससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि बाकी करप्शन के आरोप लगते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली बोली वगैरह नहीं लगाई तो उसकी कंडीशन में गवर्नमेंट ने सस्ते में चीज़ें बेच दी और करप्शन वगैरह किया, तो ऐसी चीज़ों से गवर्नमेंट को निजात मिलेगी। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, यह स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ आई वो आई है नई रोशनी स्कीम के बारे में, तो देखते हैं कि नई रोशनी स्कीम है क्या। नई रोशनी स्कीम है वो मेनली माइनॉरिटी वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट की है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा इन स्कीमों को स्टार्ट की गई है। अब इसमें है क्या, इसमें ये है कि देखो जो भी नॉलेज है, जो भी गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं, जो भी मतलब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उनका यूज़ करके जो माइनॉरिटी क्लास की जो वुमेंस हैं उनको एक्चुअली अवेयर किया जाए, उनको एम्पावर हो किया जाए, और इसमें बेसिकली एनजीओज हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी और एनजीओ की हेल्प से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, और ग्राम पंचायतें होती हैं उनको भी सपोर्ट हो लिया जाएगा ताकि मेनली वुमेंस को एम्पावर करना। मेन मोटो घुमा फिरा की है कि जो माइनॉरिटी क्लास की जो वुमेंस हैं उनको एम्पावर किया जा सके, क्योंकि हमारे देश में वुमेन की कंडीशन को ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठा गया, तो हमें ध्यान रखना कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया, कि ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आप वुमेन मिनिस्ट्री की लगा के वहाँ पे वुमेन एंड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का टिक मार्क कर दूँ। अब इसमें क्या है, ये एक बात यह है कि ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेके, तो इसके बारे में दो चार पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो हमारे देश के आर्टिकल 324 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है वो पार्लियामेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगी, मतलब लिखा हुआ नहीं है कि उसमें ये रूल है, बस ये बात कह दी गई कि पार्लियामेंट है उसके लिए रूल रेगुलेशन बनेगी और उसके अकॉर्डिंग ही चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी। बट होता क्या है, होता ही है कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई तो रूल रेगुलेशन नहीं बना रखे और ना ही कोई क्वालिफिकेशन होती है कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशन की क्वालिफिकेशन भी क्या होगी, तो इस चीज को लेके काफी बार क्या है कि मतलब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी या अपने फायदे के अकॉर्डिंग अपने ही फेवर के लोगों को चीफ इलेक्शन कमीशन वो नियुक्त करती है, तो इससे ऐसे ही आरोप लगते हैं और ऐसी सरकार करती भी है काफी बार ऐसा है। अब देखो आर्टिकल का क्या कहना है, आर्टिकल का ऐसा कहना है कि भाई कोलिजियम सिस्टम के तहत एक प्रणाली होनी चाहिए, जिस प्रकार के जजों की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए कोलिजियम सिस्टम होता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए। इसी के साथ कहा गया कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है उसको अपॉइंट करने के लिए ऐसे 3 सदस्यों की एक पैनल होता है, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और दूसरा होता है प्रधानमंत्री होते हैं और तीसरे होते हैं होम मिनिस्टर। तो अगर ये तीनों जैसे मिलकर चीफ विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो करते हैं, उसी प्रकार चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए कोई कमिटी फिक्स मतलब प्रावधान होने चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन नहीं बनाया तो आर्टिकल ये कहना कि भाई गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी रहे और क्वालिफिकेशन भी सिक्योर की जा सके। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़, तो ये थी आज की हमारी जो कंप्लीट प्रीलिम्स की जो डिस्कशन थी, मतलब कि आप बोल सकते हो जिसे करंट अफेयर का रिवीजन था, हमने जून से इसे स्टार्ट किया। देखो कुछ न्यूज़ ऐसी हैं कि जो जून के महीने में रह गई हैं उन्हें हम जुलाई के महीने में और बाकी महीने में धीरे धीरे ऐड करके मतलब हम न्यूज़ है वो सारी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप जो भी ये वीडियो है कंप्लीट इसको आप पूरा ढंग से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट न्यूज़ है वो डिस्कस किए हैं और कोई भी न्यूज़ हमने यहाँ पे मिस करने की कोशिश नहीं की है। इसी के साथ अगर आपको जब भी खाली टाइम होता है तो उस टाइम पर आप इस लेक्चर को ऑफलाइन डाउनलोड करके सुन सकते हो ताकि आपको फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट है वो मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।